हम लोग नीतीश कुमार को बुलाने गए थे, नीतीश कुमार जी खुद आए, आप स्वीकारे क्यों? क्यों नहीं स्वीकारेंगे? क्यों स्वीकारिएगा? खुद खुद आ रहा है, इनको सच्चा जरूरी है। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, क्यों स्वीकारे आप? क्यों नहीं स्वीकारेंगे? जब खुद आ करके हम लोग साथ रहना चाह रहे हैं, आप लोग इनको रखेंगे? नहीं, आप लोग को भ्रष्टाचारी बताते हैं कभी? अच्छा, पहले इसके पहले नीतीश कुमार अच्छे थे, इसके बाद भाजपा के लिए भ्रष्टाचारी हो गए? तो सब तो आप लोग वही है जी, आप तो सब नहीं है, तो सब लोग तो वही है। सबसे ज्यादा तो आप, एक मिनट, सबसे ज्यादा तो आप लोग भ्रष्टाचारी हैं कि हम लोग जिधर से जिधर मिलते हैं, आप इधर का पटला उधर, उधर का पटला उधर, मोदी मीडिया समझ रहे हैं क्या? हमको लगता तो है क्या मोदी मीडिया ही है? है कोई आधार है आपके पास? नहीं, ऐसा कोई आधार नहीं है। जब आधार मिल जाएगी तो आपको हम बता देंगे। आधार है तो बात करिए, लेकिन आपके पास आधार है? मेरे पास आधार है कि 15 में आप लोग साथ में चुनाव लड़े, 17 में नीतीश कुमार छोड़ के भाग गए, 20 में फिर आप लोग अलग लगे, भ्रष्टाचारी बताए, नीतीश कुमार को पलटू राम बताए, और फिर उनके साथ हो गए। अच्छा ठीक है, ये आधार है ना जी, एक दो गो तीन गो चार गो आधार बता। सही बात है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सब समय का खेल होता है। बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। 2014 का वो साल आपको याद होगा जब देश में चुनाव हुआ और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में बरकरार हुए और लगातार 2019 में भी नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार रहा। एक दौर था जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में अदावत चलती थी, उसके बाद दोनों साथ आए, लेकिन एक बार फिर आमने सामने जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़े दीवार नीतीश कुमार सामने रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से लगातार विपक्ष पार्टियां एकजुट हो रही है और नीतीश कुमार में पीएम का चेहरा देख रही है, और सीधे तौर पे तमाम देश के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार है। हमारे साथ बिहार की जनता है, ये वही बिहार की जनता है। जब जब देश में लोकसभा का चुनाव होता है और बिहार और उत्तर प्रदेश, ये दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा है और यहीं से हवा की रुख चलती है और देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये तमाम चीज़ें साफ हो जाती है। बिहार की जनता से समझेंगे कि नीतीश कुमार को राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, किंग मेकर भी कहा जाता है, और जिस प्रकार से इस बार नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने फ्रंट से खेलेंगे, और क्या नीतीश कुमार जब बल्लेबाजी करेंगे राजनीति पिच पर तो नरेंद्र मोदी टिक पाएंगे, या नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से लगातार अच्छे दिन का जो हवाला 2014 में दिया था वो तमाम जनता तक पहुंच पाया, तमाम चीज़ों को समझेंगे कि आखिर कौन किस पे भारी पड़ेगा। जदयू के कार्यकर्ता हैं जी? नहीं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता हैं जी। नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, इनके ऐसा अभी भारत में कोई नेता नहीं। आपको नहीं लगता है कि आप मौका परस्त टाइप का बात करने लगे? आप ऐसी कोई बात नहीं, नहीं है। नहीं, आप लोग मौका परस्त नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। कैसे नहीं है? कैसे हैं आप ही बताइए। 2020 में तो चिल्ला रहे थे आप लोग कि नीतीश कुमार जैसा बेईमान आदमी कोई नहीं है, पलटू राम जैसा आदमी कोई नहीं है। बोलिए तो आपका नेता का तेजस्वी यादव का हम वीडियो दिखा देंगे अभी। ठीक है, नहीं ठीक है, बोलते थे ना आप? ठीक है, लेकिन आप लोग बोलते थे? बोलते थे। आज कौन, आज कोची दे दिए? लेकिन कब बोलते थे? एक मिनट सुन लीजिए पहले। जब ये आरजेडी के साथ गठबंधन करके और चुनाव लड़े तब इनका उतना सीट आया, इसका उतना सीट ले करके फिर चले। आप लोग को नहीं लगता है कुर्सी के लिए आप लोग का मन नियत? बिल्कुल नहीं है, कुर्सी के लिए चिल्लाता है भाजपा वाले लोग। यही ना नीतीश कुमार है कि 15 में आप लोग के साथ चुनाव लड़े और तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचारी बता के 2017 में फिर बीजेपी के साथ चले गया, फिर अब आप लोग के साथ आ गए। जी जी, सभी नेता को तो शर्म नहीं है? नहीं, किसी का नहीं। तो आप लोग, आप भी लोग तो मौका परस्त आदमी हैं। हम लोग क्या, हम लोग इसको बुलाने, कुमार सबसे अच्छा आदमी होगा। हम लोग नीतीश कुमार को बुलाने गए थे, नीतीश कुमार जी खुद आए। आप स्वीकारे क्यों? क्यों नहीं स्वीकारेंगे? क्यों स्वीकारिएगा? खुद आ रहा है, इनको सच्चा जरूरी है। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, क्यों स्वीकारे आप? क्यों नहीं स्वीकारेंगे? जब खुद आ करके हम लोग साथ रहना चाह रहे हैं, आप लोग इनको रखेंगे? नहीं, आप लोग को भ्रष्टाचारी बताते हैं कभी? अच्छा, पहले इसके पहले नीतीश कुमार अच्छे थे, इसके बाद अब भाजपा के लिए भ्रष्टाचारी हो गए? तो सब तो आप लोग वही हैं जी, आप लोग को तो शर्म नहीं है? तो सब लोग तो वही है, सबसे ज्यादा तो आप लोग भ्रष्टाचारी हैं कि हम लोग जिधर से जिधर मिलते हैं, आप इधर का पटला उधर, उधर का पटला उधर, मोदी मीडिया समझ रहे हैं क्या हमको?
लगता तो है क्या मोदी मीडिया ही है? कोई आधार है आपके पास? नहीं ऐसा कोई आधार नहीं है, जब आधार मिल जाएगा तो आपको हम बता देंगे। आधार है तो बात करिए, लेकिन आपके पास आधार है? मेरे पास आधार है कि 15 में आप लोग साथ में चुनाव लड़े, 17 में नीतीश कुमार छोड़ के भाग गए, 20 में फिर आप लोग अलग लगे, भ्रष्टाचारी बताए, नीतीश कुमार को पलटू राम बताए, और फिर उनके साथ हो गए। अच्छा ठीक है, ये आधार है ना जी, एक दो गो तीन गो चार गो आधार बताए। सही बात है, और उनके साथ है तो पलटू राम क्या थे? उनके साथ पलटू राम थे तो सब पलटू राम नहीं थे? तो चुप हो गए आप, अभी तो हमको भ्रष्टाचारी बता रहे थे कि हम भ्रष्टाचारी हैं। आप लोग तो मोदी मीडिया है, आप लोग मोदी मीडिया है, समझ गए ना आप लोग। अब आप लोग विकास देखना नहीं चाहते मोदी मीडिया में, मोदी मीडिया जो आप कर रहे हैं ना कि जितना महंगाई नरेंद्र मोदी बोले थे आज तक नहीं दिए, हम सीधा पहले क्या बोले? अच्छे दिन सुनिए, आप लोग ने बोला था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हर आदमी के खाता में 15 लाख रुपया आने वाला है। क्या नहीं, नहीं आपका सरकार बोला था, जिसका सरकार आपका सरकार, आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या नरेंद्र मोदी? हैं सबके प्रधानमंत्री है। तो मेरे पे जो आरोप लगा रहे आपके पास तो आधार है नहीं? बिल्कुल नहीं है। पलटू राम के साथ कभी भी चल जाते, कभी उधर कभी उधर। हम लोग तरफ आ गए तो पलटू राम हो गए, आप लोग थे उनके तरफ थे तो पलटू राम नहीं थे? लोग ना बोले हम नाम दिए हैं, तो जो बोला हम नाम दिए हैं। नेता लगो कोई पैरवार है क्या? है नेता आप ही ना है जी? नहीं हम नेता नहीं है, हम जनता है, कार्यकर्ता है। अभी तो बोले कि हम राजद के नेता हैं, ये बात ऐसा मत बोलिए, हम कार्यकर्ता हुए नेता नहीं हुए। सच्चा दिल पे हाथ रख के बोलिए। बिल्कुल सच्चे दिल से बोल रहे हैं, देख रहे हैं भैया कितना साफ है, झूठ बोल देते हैं, हमको बोल रहे हैं भ्रष्टाचारी है, हम सबूत मांग दिए तो कुटू कुटू कुट ताकने लगे। आपको नहीं लगता है कि 15 में नीतीश कुमार 7 चुनाव लड़े, आप ही लोग वोट दिए, जनता वोट दी, उसके बाद कुर्सी संभाले, उसके बाद तेजस्वी यादव को बोले कि भ्रष्टाचारी है, बीजेपी की ओर भाग गए, देखे ना आप? लेकिन सुन लीजिए मेरा सवाल, सुन लीजिए सर, उसके बाद आप भी बोलिएगा। पैजामा कुर्ता पहने हुए है ही हैं, कोई ना कोई पार्टी के नेता होवे करेंगे, अपना नेता के लिए कलेजा काट लीजिएगा, जब आप पढ़िएगा तो कोई झांकने तक नहीं आएगा आपके पास। 20 में आप लोग चुनाव लड़े हैं, जनता आप लोग को वोट दिया, सबसे ज़्यादा विधायक राजद का बना, आ देखिए फिर नीतीश कुमार भाग के राजद के साथ आ गए, फिर आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो ऐसा है, हमारे चचा की पूछिए नहीं। तेजस्वी यादव इस मैटर पर गए हुए हैं कि हम रोजगार देंगे। अच्छा, लड़कों को नाम क्या है? भीम यादव नाम हुआ। अच्छा, जादव है, हम समझ गए थे कि तेजस्वी यादव इसलिए गए कि हम बच्चों को रोजगार देंगे। 2 साल तो पहले भाजपा ने तो बिहार रोजगार मांग रही है, रोजगार के लिए गठबंधन हुआ है। नीतीश कुमार 10 लाख कहे थे तेजस्वी जी, और 20 लाख नीतीश कुमार गांधी मैदान में कह चुके हैं, रोजगार के लिए गठबंधन हुआ है। नेतागिरी बतियाने लगे हम? नहीं, नेतागिरी कहाँ बतिया रहे, बयान आपको जवाब देते, यही ना नीतीश कुमार थे जब 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था और तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहली कैबिनेट से ही हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो नीतीश कुमार बोले थे कि सक्षम नहीं है, लेकिन एनडीए वाले लोग बोले थे कि 20 लाख हम देंगे, याद है आपको? एनडीए वाले 20 लाख 2 साल में नहीं दिए, 8 साल में ये लोग नहीं दिए, नहीं दिए लेकिन 2 साल भी तेजस्वी का बर्बाद कर दिए हुए हैं। तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार इसी कारण आए क्या? रोजगार को लेकर? रोजगार के लिए। आपका बस, आपका कितना दिन से राजनीति कर रहे हैं? कितना दिन से राजनीति? राजनीति 11 से हम कर रहे हैं, 2011 के पूर्व प्रमुख हुए हम। अच्छा, कितना साल हो गया? कितना साल हो गया? 20 साल हुआ, प्रमुख भी बन गए, उसका मतलब है दाएं बाएं आप भी किए होंगे? नहीं, दाएं बाएं हम नहीं करते हैं, दाएं बाएं कहते तो आज भी प्रमुख रहते, दाएं बाएं करते तो। आपको याद है कि जब सरकार गिराया, जब बैठक किए विधायक लोग के साथ, तो नीतीश कुमार बोले कि बीजेपी वाला हमारे पार्टी तोड़ने वाला था, वही से हम तेजस्वी यादव के साथ आ गए, रोजगार को लेके नहीं आए, रोजगार के लिए, रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी गठबंधन किए हुए हैं और रोजगार जनता को देंगे, बच्चों को रोजगार देंगे। पार्टी टूट रहा था तब आए हैं? नहीं, पार्टी नहीं टूट रहा था, पार्टी तोड़ने का, नीतीश कुमार को पार्टी तोड़ने का किसी का औकात नहीं है, एक बात सुन लीजिए। नहीं नहीं, किसी को प्रधानमंत्री का मटेरियल यही बन गए हैं, नीतीश कुमार को पार्टी कहाँ छोड़ रहे थे, प्रधानमंत्री के मटेरियल के लिए हैं। आई कुछ महीना पहले तो आप लोग कहते थे कि इनका अपना औकात है, तीसरा नंबर पे आ गए, आज आप लोग को पीएम मटेरियल सूझे? हाँ, पीएम मटेरियल है, मतलब कुर्सी मिला नहीं कि मतलब बात पलट गया? नहीं, कुर्सी आप लोग का दिखाएं जी, आपके नेता का वीडियो दिखाएं, बोले सबसे खत्म सीएम है, कुछ नहीं किए, भ्रष्टाचार बढ़ा, इतना घोटाला हुआ, शौचालय घोटाला, ये सब सुने थे तेजस्वी यादव बोले थे? कुछ नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है, हम लोग केवल रोजगार देने के लिए हम लोग गठबंधन किए हुए हैं, बच्चों को बच्चों को रोजगार देने के लिए, कुर्सी पर आने के लिए नहीं, रोजगार देने के लिए गठबंधन किए हुए हैं।
तो इससे अच्छा तो था ना, कहते थे आप लोग कि सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव, कुर्सी पाने के लिए तो चले गए आप लोग, कुर्सी पाने के लिए चले गए ना जी, आप ही लोग ना रोजगार के लिए हम लोग आए हुए। नीतीश कुमार का विरोध करते थे कि नहीं करते थे? नीतीश कुमार का विरोध करते थे कि नहीं करते थे? हम भाजपा का विरोध करते थे, नीतीश कुमार को नहीं विरोध करते थे। झूठा आदमी है लेकिन विकास पुरुष है नीतीश कुमार। आज विकास पुरुष हो गए, आज विकास पुरुष हो गए, बड़का झूठा पार्टी आप लोग है। नहीं, आप लोग बड़का झूठा पार्टी है। आपके पास आधार है, एकदम आधार है, छोड़ के भाग गए, फिर आ गए, एकदम आधार है। 2017 में यही भाजपा के साथ चले गए थे तो जंगल राज नहीं था। नीतीश कुमार 2017 में जब भाजपा राजद के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े, अच्छा, और 17 में सुन लीजिए, सुनिए ना, 17 आप सुनिए ना, 17 में चले गए थे, सुनेंगे पूरा सुनेंगे जितना वीडियो रिकॉर्डिंग जब तक ना हो जाए। 2017 में आपको छोड़ के गए थे, 15 में चुनाव लड़े और 17 में छोड़ के भाग गए और बोले कि तेजस्वी यादव के इसी कारण साथ छोड़ दिए कि वो भ्रष्टाचारी थे। ये बात याद है आपको? भ्रष्टाचारी तो नहीं, भ्रष्टाचारी के मुद्दा पर नहीं गए थे, भ्रष्टाचारी पर नहीं, मुद्दा पर विकास पर मुद्दा पर चले गए थे। किसके साथ? भाजपा के साथ चले गए थे। हाँ, उल्टा भाजपा के साथ चले गए थे। बड़का झूठ बोल, नहीं बड़का झूठ, आप लोग हैं, आप लोग, आप आधार है, आप लोग, आप लोग खाली भाजपा का, भाजपा का खाली मैटर लेकर, भाजपा का नहीं किया, भाजपा का मैटर लेकर चलते हैं। हम तो बोल रहे कि 2014 से लेकर आज तक क्या किया है भाजपा? काम ही नहीं किया, रोजगार देते तो यहीं पकड़ ले रहते हैं। खाली मंदिर, मंदिर और मस्जिद से चलेगा? नहीं बोल रहे, नीतीश कुमार भी कर रहे थे, काहे नहीं बोल रहे थे? रोजगार से बोली नहीं, रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए। कितना पैसा बना है प्रमुख बनने के बाद? पैसा नहीं बना है, पैसा बना रहता तो आपके साथ आकर मैटर देते। अरे आप काम किए रहते ना प्रमुख में, तो हड़बे नहीं करते, जीत जाते। नहीं 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 नहीं, सच्चा आदमी है हम लोग, सच्चा आदमी है, सच्चा हम बात बोलते हैं। तो सुनिए, सुन लीजिए, यादव हम ही है और रोहित यादव हमारा नाम है। आप जो जाति को लेके सपोर्ट कर रहे हैं, सही और गलत का सपोर्ट, जाति के लिए, विकास के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष हो, जाति के लिए नहीं, विकास के लिए बन जाएंगे ना, एकदम बन जाएंगे। अच्छा। 2024 में प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। अच्छा, ना दीजिएगा के लिए वोट डाल के। कल भागे ना अगर नीतीश कुमार, तो फिर चिल्लावे लगिएगा, पूरा गमछा कपड़ा खोल के चिल्लाइएगा कि हम जानते थे कि तो कुर्सी के लिए कहीं भाग जाएगा। नहीं, विकास के लिए हम तकनी तो पूरा ढिंडोरा पीटिएगा राघोपुर से लेके बिहार के कोना तक। हम विकास के लिए है और बच्चों को रोजगार देने के लिए हम लोग किए हुए हैं गठबंधन। अच्छा झूठ बोलते हैं, लेकिन कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। नीतीश कुमार बनतीन पीएम कि झोले टांग के भी आए उमर गुरज? अपने बना दे बहन, अपने हम क्या बनाएंगे, आप ना भी बनाइएगा। एक आदमी के चीज बस की है, एक आदमी से तो जीत हार हो जाता। आपको लगता है पीएम बनेंगे नीतीश कुमार? अब पीएम बनने लायक तो है, उनका विद्वान तो है, बनेंगे ना बनेंगे। वो अभी तो लगता है पॉलिटिकल आदमी में करीब 75 प्रकार आदमी होगा, रोज बदलता है पाला। आप बना रहे हैं पीएम? नहीं, जो कर रहे हैं आप बना रहे पीएम भैया? पीएम बना रहे हैं नीतीश कुमार को, कहे ना इसे ससार सब कुछ गुण है नीतीश कुमार में, चाहे इस दल में हो, आरजेडी में हो या बीजेपी में हो, मुख्यमंत्री भी तो नीतीश कुमार भी तो बन सकते हैं। जब एक जरूर बन सकते हैं, जब 8 बार जब मुख्यमंत्री बने हैं तो पीएम पद के दावेदार क्यों नहीं हो सकते हैं? कभी इन्हें कभी उन्हें जाके चुनाव हुआ है, फिर भी तो वही है पीएम मुख्यमंत्री, तो कुर्सी बचाने के लिए तो बड़का ही, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, फिर भी नीतीश कुमार, फिर भी नीतीश कुमार हम कुछ के नेता नहीं है, हम कुछ भी के नेता नहीं है। मैं पढ़ता लिखता हूँ, स्टूडेंट हूँ। नौकरी मिला? नहीं, नौकरी तो मिलेगा, मेहनत करेंगे तो कहाँ नहीं मिलेगा, ले लिए अभी तक, मेहनत करेंगे, कंपटीशन है तो कहाँ नहीं मिलेगा। सच्चे दिल से बोलिएगा, कोई पार्टी के लेवल से मत बोलिएगा। नहीं, पीएम तो नहीं बनेंगे। क्या है ये, इनको देख लीजिए कि कह रहे हैं कि इधर जाए या उधर जाए, 8 बार से मुख्यमंत्री बराबर पलटी है हमारा, इतना जैसे लग रहा है कि विधानसभा का चुनाव हो गया। 8 बार चुनाव से नहीं ना जीते हैं, इधर से उधर जाके जीते हैं। इधर से उधर करके ना बने, बीजेपी क्यों नहीं अपना कैंडिडेट है? कुछ है लग रहा है, आईना दिखा रहा है, नहीं उतारा बीजेपी कैंडिडेट अपना, कोई कहा है बीजेपी का चेहरा है कोई पीएम का पद का? काम करते तो वही रहते हैं। कौन है कुर्सी के लिए बताइए ना, कौन है उधर जाते हैं? अभी तो विपक्ष में, अभी तो विपक्ष 2014 में नरेंद्र मोदी क्या बोले थे कि हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, याद है? अभी याद है, सुनिए बताते हैं, याद है आप? आप हमको जवाब सुनिए, आप जवाब बोल रहे हैं क्या भैया? बोले थे ना 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम रोजगार का बात कर रहे हैं, हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। रोजगार बोले थे, नौकरी नहीं बोले थे। ठीक है, नौकरी दे रोजगार दे, पीएम नरेंद्र मोदी बोले थे ना, मिला कुछ? अगर मिलता तो हालात ये नहीं ना रहता।
अच्छा आपको भी मिल गया होगा। 15 लाख रुपये मिल गया है, लगातार मिल रहा है। यही बोल रहे हैं कि ऐसा साला चोर सरकार से। सुने सुनिए बोले बोले क्या चोर सरकार दिखा दिए किनको? आईना दिखा दिए आपको? दिखा दिए ना किनको? आईना दिखला दिए भाई। आईना क्या दिखाना है? अच्छा नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? काहे बनेंगे? अच्छा काहे बन सकते हैं? बिहारी आदि बिहारी नहीं बन सकते। नरेंद्र मोदी उनको तो भागना होगा। बिहार 8 साल बहुत झूठ बोल रही है, बहुत झूठ बोल रही है। 15 लाख रुपया पत्रकार है ना भाई साहब, 8 साल हो गया ना? 8 साल हो गया। कोई वैकेंसी में बतलाइए कि नौकरी दिए है? यही सवाल तो उठाया जा रहा है कि नौकरी को लेके आज तक कोई कुछ नहीं बोलता है। कुछ दिए है? कभी इधर कोई जाता है, कभी उधर। खाली महंगाई पर महंगाई बढ़ा रहे, टैक्स GST सब, खाने पीने में सब कुछ। आम 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 आदमी कभी भी इनसे खुश हो ही नहीं सकता है इस सरकार में। तो अपनी पीएम को भगा देना? भगाना ही है पक्का। कितना लेना रखिएगा? देखिए सीधे तौर पे बिहार की जनता है, अपनी अपनी तर्क है। तमाम नीतीश कुमार में वो चेहरा नजर आ रहा है, और इनका मानना है कि नीतीश कुमार इस बार नरेंद्र मोदी को ऐसा खदेड़ेंगे कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और सीधे तौर पे बिहारियों ने सीधे तौर पे आह्वान कर दिया है कि इस बार होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सीधे टक्कर नीतीश कुमार देंगे, और जनता नीतीश कुमार को देश का पीएम बनाएगी, सर पे ताज पहनाने का काम करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 के जब लोकसभा के चुनाव में कौन किस पे भारी पड़ता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। रोहित यादव, NBC 24, पटना।